नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जाते जाते मानसून एक बार फिर झटका दे जा रहा है। पुणे मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वापसी से कई शहरों में पानी भर गया है। पुणे में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो रही है। इनके निचले इलाकों में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है, इसके चलते जाम लगना शुरू हो गए हैं। मुंबई में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी जमना शुरू हो गया है। इस बारिश से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली से मुंबई आने वाली दो उड़ानों को हैदराबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं लोकल ट्रेनों में भी खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। अभी अगले दो दिन तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना IMD ने जताई है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को मुंबई, पालघर और नासिक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। गुरुवार को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब तक जरूरी न हो घरों से वे बाहर न निकले। सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, विदर्भ, मराठवाड़ा, सांगली और जलगांव में भी भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल प्रवाह रुक सा गया है और जल भराव प्रारंभ हो गया है। वहीं कई फ्लाइटों को भी डाइवर्ट किया गया है। लोकल ट्रेनों में खचाखच भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके कारण महाराष्ट्र में नमी बढ़ी और मानसून का असर तेज हो गया है। इसके साथ ही उत्तरी महाराष्ट्र में मानसून के प्रभाव में बढ़ोतरी होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। 25 से 27 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र पर अलग अलग भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के VPA शहर और शाम से यहां बारिश हो रही है, जबकि दोपहर में कई उपनगरीय इलाकों में भी वर्षा का जोर जारी है। मुलंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में पानी का भराव प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।